शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अपुन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपुन का छोटा छोटा फोटो छपता है। नाम तो माजी का और काम आप जैसे किसी पाजी का। आंधी और तूफान में ऊंचे दरख्त गिर सकते हैं, लेकिन नीची घास को कुछ नहीं होता। मेरी नफरत की आंधी के सामने ऊंचे दरख्त तो क्या ऊंचे पहाड़ भी गिर सकते हैं। सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। मिड 70s में एंग्री यंग मैन का खिताब पाने वाले अमिताभ बच्चन अपनी हर फिल्म के साथ अपना एक नया अंदाज दिखाते गए। वो हर तरह के रोल्स में बिल्कुल नेचुरल और एफर्टलेस नजर आते थे। बहुत जल्द ही वो हर बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद बन गए और इन डायरेक्टर्स ने उन्हें हर तरह के रोल्स दिए। 70s के एंग्री यंग मैन 80s के आते आते वन मैन शो में तब्दील हो गए, जो अपनी फिल्मों में हर काम खुद कर लिया करते थे, चाहे रोमांस हो या ड्रामा, कॉमेडी हो या एक्शन, डांस हो या खुद के लिए प्लेबैक देना। जिधर देखूं तेरी तस्वीर। 80s की शुरुआत में अपनी कलाकारी के ये सारे जौहर दिखाते हुए उन्होंने नसीब, दोस्ताना, लावारिस, नमक हलाल, कालिया, सत्ते पे सत्ता, देश प्रेमी और शराबी जैसी फिल्मों से अपनी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। लेकिन 80s का डेकेड अमिताभ बच्चन के लिए काफी उतार चढ़ाव भी लेकर आया, प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली। लेट 70s से ही उनका नाम अपनी को स्टार रेखा के साथ जोड़ा गया था। अरे आज मोहल्ले में पूजा खत्म हुई, तोबा तोड़ डाली, बोतल खोल डाली और गड़ागड़ पी डाली। तुम रोज आकर मेरे ग्राहकों को क्यों तंग करते हो? अरे ये लोग इधर आना बंद करेगा तभी तो तू मेरे साथ शादी करेगी। बोल। मैं 10 बार कह चुकी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। पर क्यों क्यों? अरे यही तो उम्र है, 18 का सीन है, एक बार ये उम्र ढल जाएगी तो कोई नहीं आएगा, ये लोग में से कोई नहीं आएगा। क्यों भाई लोग, ये बुढ़ी हो जाएगी तो तुम लोग इधर आएगा? क्या बोला था? ये कोई नहीं आएगा, खाली मैं आएगा, मैं। ये बाल सफेद हो जाएगा तब भी मैं आएगा। उनके सो कॉल्ड अफेयर के चर्चे तब क्लाइमैक्स पे पहुंचे जब यश चोपड़ा जी ने जया बच्चन को अमिताभ और रेखा के साथ कास्ट किया फिल्म सिलसिला में। 1981 में रिलीज हुई सिलसिला मानो एक तरह से उनका पब्लिक स्टेटमेंट ही था, जहां हस्बैंड एंड वाइफ लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सिलसिला अमिताभ रेखा की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस जोड़ी की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा कर देती है। उनकी जिंदगी में एक और सेटबैक आया 1982 में, जब फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान वो बुरी तरह जख्मी हो गए, इतना कि उनकी जान पर बनाई थी। कई महीनों के इलाज के बाद और उनके लाखों फैंस की दुआओं के साथ जब अमित जी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर के लिए निकले, तो उनके फैंस की भीड़ ने हॉस्पिटल के बाहर बड़े प्यार से उन्हें रिसीव किया। ये अनुभव वाकई में उनके लिए एक दूसरे जन्म से कम नहीं था। मिड 80s में अमित जी ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा, साथ ही इनकलाब, मर्द और आखिरी रास्ता जैसी हिट फिल्में भी करते रहे। लेकिन पॉलिटिक्स उन्हें रास नहीं आई और 3 साल में ही वो फिल्म शहंशाह के साथ फुल टाइम एक्टिंग में लौट आए। 90s की शुरुआत में अग्निपथ, अकेला, हम और आज का अर्जुन जैसी अलग अलग फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने की सोची और 1992 में रिलीज हुई खुदा गवाह ब्रेक से पहले उनकी आखिरी फिल्म थी। आइए देखते हैं अमित जी के कुछ अलग अलग रंग इन सीन्स के जरिए। बैंड बाबू जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये किस चीज को ले आया? कर लो बात,
बाबूजी हम चीज नहीं है, हमारा नाम अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह है, लखनपुर गांव के रहने वाले, इंटर पास है, गांव में सबसे अपन नंबर आए थे। हमारे गांव में हमारे दद्दू और मैं ही सबसे ज्यादा पढ़े, बाकी कोई चौथी पास नहीं। शहर में आने से पहले हमारे दद्दू ने हमको तीन बातें सिखाई। पहली बात, पराई औरत पराई दौलत में हाथ नहीं रखना। हाँ, दूसरी बात, जिसका नमक हो उसकी नमक हलाली करना। तीसरी बात, अन्याय के सामने सर नहीं झुकाना। बोलो हमारे दद्दू ने ठीक कहा कि नहीं कहा? हमारे दद्दू ने बिल्कुल सही कहा। अब तुम शहर में आयो, ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती? नो कल्लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम बैरन एंड बैरन बिकम भैरो बिकॉज देयर माइंड आर वेरी नैरो। In the year 1929, sir, when India was playing against Australia in Melbourne City, Vijay Merchant and Vijay Hazare, they were at the crease, and Vijay Merchant told Vijay Hazare, look Vijay Hazare, this is a very prestigious match and you must consider this match very carefully. So considering the consideration that Vijay Hazare gave Vijay Merchant told Vijay Hazare that ultimately we must take a run. And when they were striking the ball on the leg side, sir, the consideration came into an ultimatum, and ultimately Vijay Hazare went to Vijay Merchant. Oh, shut up! Similarly, sir, in the year 1979, when India was playing against Pakistan in Wankhede Stadium, Bombay, Wasim Raja and Wasim Bari, they were at the crease. And Wasim Bari gave the same consideration to Wasim Raja. And Wasim Raja told Wasim Bari, look, sir, this ultimately has to end in a consideration which I cannot consider. Therefore, the consideration that you are giving me must be considered very ultimately. Therefore, the run that they were taking, Wasim Raja told Wasim Bari, Wasim Bari, you take a run, and ultimately both of them ran, and considerately they got out. Okay, okay. Sir, may is... सामान्य ज्ञान पर आपको कुछ विशेष टिप्पणी करनी? चांदी सेठ के गिलास में जो हीरा चमक रहा है वो उतना ही नकली है जितनी कि तुम्हारी कामयाबी नकली है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं चांदी सेठ, शराब में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जाते, जिस तरह गंगा में नहाने से गधे इंसान नहीं हो जाते। असली हीरा इस हीरे को तो तुमने पहचान लिया सेठ, अब मेरी तरफ भी जरा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो। मैं वही कल्लू हूं जिसे तुमने कालिया बनाया। मैंने सुना था कि इंसानों की तकदीरें आसमानों पर बैठा भगवान लिखा करता है, लेकिन मेरी तकदीर तुमने लिखी है सेठ, मेरे भाई के हाथ कलम करके। अब इसके बाद न तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोशिश करोगे और ना ही उन्हें ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करोगे। बढ़ाओगे तो हर वक्त हर जगह मैं उन्हें काट के रख दूंगा, कुचल के रख दूंगा। आपके बराबर बैठकर आपकी बराबरी करके आपके बराबर नहीं हो सकता। बराबर तो वो बैठता है जो बराबर होता है। जो बराबर नहीं उसे आपके बराबर बैठने का कोई अधिकार नहीं। बेटा, ये बराबर और बराबरी के बारे में तुमने क्या कहा, मैं बराबर समझा नहीं। समझ में ना आए तो ही बराबर है। क्यों, बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो फिर आओ बैठो मेरे बराबर। लेकिन ठीक ही तो कहता है बेटी, पति नीचे बैठा है और पत्नी ऊपर, ये अच्छा नहीं लगता। ये आपके दामाद हैं, इनको तो ऊपर बैठने कहिए। अरे हाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। बेटा जी, तुम दामाद हो, तुम ऊपर बैठो। जैसी आपकी आज्ञा। तुम वहीं बैठे रहो बेटी। अरे वाह बेटा, मैं तो समझता था तुम फॉरेन से आए हो, बिल्कुल अंग्रेज बन गए होगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, तुम पर वहां का कोई असर नहीं हुआ। कमल कीचड़ में रहे तो क्या कीचड़ का असर उस पर पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। आचार्य धीश का कहना है कि मनुष्य को मक्खन में बाल की तरह, समुद्र में जाल की तरह और युद्ध में ढाल की तरह रहना चाहिए। तालियां। बेटे ये तालियां किस लिए? ये घर है, थिएटर का स्टेज नहीं। दादाजी, विश्व विख्यात अभियंकार स्वर्गीय नाटककार शेक्सपियर का कहना है कि दुनिया एक स्टेज है, जिंदगी उसका ड्रामा है, इंसान केवल नाम मात्र एक्टर है और मौत उसका पर्दा है। सचमुच ऐसा कहा है? हाँ। तालियां, जोर से तालियां। भाई हमारी तुम्हारी खूब जमेगी। आइसक्रीम की तरह। वाह,
मॉडर्न जीसस क्राइस्ट दुनिया के गुनाहों के बोझ का क्रॉस उठाने के लिए तैयार खड़ा है। वंडरफुल। कब तक मेरे गुनाहों की सजा मुझसे चुराता रहेगा कब तक? बस बहुत बन चुका मैं तेरे लिए स्वर्ग की सीढ़ी। अगर सजा भुगतने का इतना ही शौक है तो खुद गुनाह करो, सजा भुगत। आपका परिचय? मेरा परिचय आपको अपनी पुरानी फाइलों में मिल जाएगा। वैसे मेरा नाम सुधीर रॉय है, डॉक्टर सुधीर रॉय। नियो नर्सिंग होम का पार्टनर हूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, पर गरीबी की कड़वाहट अभी तक मेरी जबान की नोक पर जिंदा है। इसलिए पैसे कमाना चाहता हूं, सीधे हाथ से भी और उल्टे हाथ से भी। इसीलिए इससे छुपा करके इलीगल अबॉर्शंस करता रहा हूं। जितने बड़े घर की लड़की उतनी बड़ी फीस। तुम्हारी माओ का फैशन तो अभी तक आया नहीं ना? ये जो लड़की मरी है इसका ऑपरेशन मैंने किया था। सुधीर, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। ये रही वो केस फाइल जिस पर मेरे दस्तखत हैं, और ये वो 15,000 रुपए उस लड़की की मौत के दाम। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं और अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। इंस्पेक्टर, डेथ सर्टिफिकेट पे जो इसके सिग्नेचर्स हैं वो इसने मेरी जान बचाने के लिए किए थे। आपको अपने कन्फेशन का अंजाम मालूम है? मालूम करके आया हूं ऑफिसर, 10-15 साल जेल में, और जब जेल से छूटूंगा तो डॉक्टरी नहीं कर सकूंगा, मगर इसे अपने कंधे पर चढ़ के आकाश नहीं छूने दूंगा। सुधीर, मैं शट अप एंड डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। एक पालतू कुत्ते की तरह तुम लोगों की मेहरबानी के टुकड़े खा खाकर बहुत दिन जी लिया मैंने। अब अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं, चाहे वो जेल में ही क्यों ना गुजरे, समझे? अफसर मैम, मैं 2 मिनट इससे अकेले में बात कर सकता हूं? जरूर, बट यू आर अंडर अरेस्ट। थैंक यू। ये क्या नाटक कर रहा है तू? नाटक? नाटक तो तू कर रहा है प्रशांत। जब से अमेरिका से लौटा है तूने ये नाटक शुरू कर दिया, लेकिन इस नाटक में तूने मुझे कोई हिस्सा दिया ही नहीं, इसलिए क्लाइमेक्स में तो मुझे आना ही था। प्रशांत, सखी से मेरी तरफ से माफी मांग लेना, कहना मैंने जो कुछ भी किया घर की इज्जत आबरू बचाने के लिए किया। वो पैसे और डायरी मैंने जबरदस्ती इसलिए लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस को कोई सबूत मिले, इसलिए मैंने नंदिनी को भी बॉम्बे से भगा दिया। प्रशांत, तू पैसे के पीछे भागते भागते बहुत थक गया होगा, जा घर जा। जो पाप मैंने किया उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है प्रशांत, कि तू ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि तेरे किए की सजा मैं भुगत रहा हूं। हुमायूं, किसी गधे का सर काटकर अगर बेनजीर को हासिल करना होता तो मैं तेरा सर तेरे दौड़ से कब का अलग कर चुका होता। मुझे नहीं लगता है बादशाह खान कि तुम लौट कर आ सकोगे। रोशनी घर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। इजाजत मेरी महबूब। खुदा हाफिज बादशाह खान, खुदा हाफिज। एक मुस्कुराहट का सवाल है। मुश्किल है बादशाह खान। मुश्किल को आसान कर दो मुश्किल कुशा। जाऊंगा नहीं उसके बगैर एक मुस्कुराहट। और बस थोड़ा सा हो। मरहबा मरहबा लाले दी जान, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। इश्क का निशान हुस्न के नाम। बेनजीर, जब जब तेरी नजर इस परचम पर जाएगी बादशाह खान के दिल को छुएगी। जब जब ये परचम हवा में लहराएगा तेरे दिल की धड़कनों में बादशाह खान के दिल की धड़कन सुनाई देगी।
जब जब तेरे नाजुक हाथ इस परचम को छुएंगे, तेरे हाथों की खुशबू से बादशाह खान की रूह तक महक जाएगी। अलविदा बेनजीर। अलविदा। अलविदा खुदा बख्श। अलविदा। अलविदा कबूल। तो कैसे लगे आपको हमारे बच्चन साहब के ये सीन्स? मजा आ गया ना? खुदा गवाह के बाद अमित जी ने ब्रेक तो ले लिया, पर ये ब्रेक टेम्पररी साबित हुआ। ना अमित जी अपनी ऑडियंस से दूर रह पाए, ना उनके फैंस उनसे दूरी बर्दाश्त कर सके। इंडियन सिनेमा के इतिहास में किसी भी एक्टर के सबसे कामयाब सेकंड इनिंग्स के गवाह बनेंगे आप और हम अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और नमस्कार। फिलहाल के लिए मैं अदा लेती हूँ आपसे विदा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।